और वहाँ पर जो उनके जो डांस था जो फेमस हुआ था वो था गोविंदा सर का जो डांस था तभी जो उनका डांस उनके एक्सप्रेशन जो आज भी लोगों को ना मतलब याद करवाते हैं और अभी भी वो डांस करें ना वही उनका टैलेंट और उनके एक्सप्रेशन सब वही मतलब अपने को इतना अच्छा फिट किया हुआ है। सो अभी देखते हैं कि नया गाना कैसे मगर सादिक हमारे 90s का ये गाना चल रहे इतने सारे रीमेक्स 90s के सॉन्ग्स के आ रहे हैं तो क्या बोलेगा यार इतने सारे रीमेक्स बना दिए मैं खुद ये सोच के इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग बैड बोलूं गुड बोलूं मैं खुद थोड़ा हैरान मतलब परेशान हूं क्या बोलूं इसमें क्या कमेंट करूं मतलब गुड सेंस में लग रहा है कि यार वो पुरानी मेमोरीज वापस रिवाइव कर और उसके अलावा ये कि वो गाने ना फेमस होते जा रहे हैं उस पे वो फॉर ना उस पे इतने व्यूज नहीं थे मतलब ओरिजिनल सॉन्ग में देखता हूं ना तो उस पे इतने व्यूज 2 लाख 3 लाख व्यूज होते थे और अभी नए रीमेक्स की वजह से लोग पुराने गाने नहीं पुराने देख रहे हैं तो इस तरह से जो मेरे ख्याल से जो पुराने बने हुए ना तो ये एक तरह से ऐसा लग रहा है अभी बीच में एक और भी मतलब काफी रिमिक्स मतलब मैंने इस साल देखे आजकल इस साल तो बहुत सारे आ गए मतलब मैं अगर कहूँ तो मर्जावा फिल्म में 3 रिमिक्स सॉन्ग हां जैसे मर्जावा सॉन्ग आपने अभी तक हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया और अगर आपको हमारी रिएक्शन पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड नीचे बेल आइकन वो भी दबाइएगा अगर हमारी रिएक्शन पसंद आता है। Six December. Okay.
So, कैसा लगा? अच्छा था गाना, और मतलब इसमें थोड़े लिरिक्स वगैरह चेंज हुए हैं। हाँ, काफी चेंज हुआ इसमें। हाँ, मतलब वो मेन लाइन वही है, बाकी लिरिक्स इसमें चेंज हुए हैं और बाकी जाहिर भी डांस स्टेप्स और इसी चीज़ों। जो गाने की आपकी जो वो भी है बीट्स वगैरह भी हाँ। है वो मुझे सिमिलर लगी लिरिक्स इवन दो कि चेंज थे हाँ, तो उसमें बीट्स वगैरह जितनी भी थी या जो उसकी कंपोजिंग थी वो मुझे थोड़ा बहुत वही 90s का फिलर वगैरह दे रहा था। अब शायद वो उस एक स्पेसिफिक जो फेस था कि उसे हाँ, हाँ, So, वैसे ये है कि कार्तिक ने काफी अच्छा किया डांस वगैरह जो कंपेयर करो गोविंदा सर को, मुझे था कि मे बी उनकी कंपैरिजन में नहीं कर पाएगा, बट उसने एक्सप्रेशन बहुत अच्छी दिए, डांस बहुत अच्छा किया, मुझे से पिक्चराइज और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत थी। और जैसे पता ही है कि ये मूवी बहुत ही फनी मूवी है और ये गाना डाला गया है, तो डेफिनेटली कोई मूवी में ऐसी कोई चीज होगी जो इस पे गाना आया है। रीमेक हो के तो गाना आता है ना, फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, ये एक फायदा हो जाता है फिल्म को, मतलब एक तरह से विन-विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इवन को कभी कभार कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि रीमेक हो के आया है ये वो, बट इसमें ये हो जाता है कि मतलब एक तो फिल्म पॉपुलर हो गई, पुराना गाना भी रिवाइव हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर आप वो गाना कॉपी कर रहे हैं, इसका रीमेक कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, सो वही गाने के कंपैरिजन या वही बेंचमार्क मीट करने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट एग्जैक्टली। ऐसे सो मेरे ख्याल से वो बेंचमार्क तो नजर आ रहा था, डिफरेंट भी था गाना एंड वो गाने भी रिवाइव करने की काफी कोशिश की थी, मगर डेफिनेटली गोविंदा सर और रवीना टंडन को मेरे ख्याल से मैच करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट लुक्स वेरी गुड। और मूवी भी हमने जैसे बताया था अपने पहले ट्रेलर रिएक्शन में भी कि मूवी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, मूवी भी कॉपी है, रीमेक है कॉपी बोलना गलत है, रीमेक है, सो लेट्स सी कि बॉक्स ऑफिस में ये किस तरह से परफॉर्म करती है। So, आखिर में चाहते हुए हम कहेंगे अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग पब्लिक रेडियो। टेक केयर।